गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है 12 सितंबर और हम आए हैं गोवा में। गोवा में साउथ गोवा वारखा में आए हैं और हमने जो स्टे लिया है वो स्टे लिया है क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, आपको मैं पूरा जो रिसोर्ट का पूरा टूर दे दूंगा, रूम का भी पूरा टूर दे दूंगा। जो ये जो रिसोर्ट है वो वारखा में साउथ गोवा में आता है, कोलवा बीच के थोड़े आगे है। ये जो रिसोर्ट है वो जो बीच है, वारखा बीच है, उसको टच है। इनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो चलिए देखते हैं कैसा है रिसोर्ट। सो गाइस, अंदर आती है आप देख सकते हैं, ये पूल नंबर 1 है। नॉर्मल इसमें किड्स पूल भी है और अराउंड 3 फीट का ये पूल मैं देख सकता हूँ। और काफी बड़ा पूल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ काफ़ी बड़ा लॉन है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है गाइस। ये सब बेसिकली रूम्स है, आप देख सकते हो, और देख के तो लग रहा है काफ़ी सारे रूम्स है इनके पास। देखते हैं आगे, यही रोड सीधा सीधा जाके बीच को कनेक्ट हो जाता है। ये है मेन लॉबी, ये हम लोग का बेसिकली एक फर्स्ट बेडरूम है। ये बेडरूम नंबर 2 है स्लैश लिविंग रूम, ये मेरे फ्रेंड्स है। और ये है गैलरी का व्यू, आप देख सकते हैं काफी बड़ी प्रॉपर्टी है। और ये टीवी है, एक मिनी किचन भी दिया गया है। फिर यहाँ पे है वॉशरूम बेसिन। बस यही है और तो यहाँ पे अंदर आके ही आपको पूल नंबर 2 दिख जाएगा। ये भी काफ़ी बड़ा पूल है, इसमें भी किड्स प्लेइंग एरिया है, मतलब बच्चों के लिए भी पूल है और अडल्ट्स के लिए भी पूल है। अराउंड 4 फीट की इसकी डेप्थ है। और यही रोड अगर हम सीधा जाएंगे तो सीधा जाते रहेंगे तो आप बीच, ये जो रोड है वो बीच को कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक मिनी बार है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे और एक बड़ा लॉन आ चुका है। गाइस सच में काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, चलते चलते थक जाओगे बीच तक पहुँचते, बट मुझे लगता नहीं यहाँ पे आने के बाद आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे इंटीरियर में पूल है और जो
बीच है वो भी कनेक्टेड है, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर आप मानसून में आ रहे हैं तो वैसे भी मानसून में यहाँ पे सीजन नहीं होता, तो बाहर जाने से अच्छा अंदर ही रहना सही है और काफी अच्छा है। यहाँ से सीधा सीधा जाना है, तो देखते हैं बीच कहाँ पे है। अब तो चल ही रहे हैं। सो एट लास्ट गाइस पहुंच गए बीच पे। काफी अच्छे से मैनेज लग रही है प्रॉपर्टी। और गाइस पहुँचते हुए हम बीच पे, एक छोटा ब्रिज बनाया गया है क्योंकि बीच में एक छोटी सी नदी है या फिर क्या है पता नहीं, ड्रेनेज सिस्टम है। तो बीच पे आ गए हैं हम गाइस। यहाँ पे टूरिस्ट भी काफी कम है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ठीक ठाक ही है, बीच क्लीन है।